नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कॉपीराइट स्कूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को लेकर चलेंगे कॉपीराइट स्कूल। दरअसल क्या हुआ था कि हमने कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो डाल दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर जिससे कि हमको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई थी और 22 दिसंबर को वह कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर हो चुकी है। बट हमारे चैनल से वह कॉपीराइट स्ट्राइक अभी तक हटा नहीं है। मतलब अब हमको जाना होगा कॉपीराइट स्कूल में और वहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे 4 सवाल और उन 4 सवालों पर सही सही जवाब देना है। सही जवाब देने के बाद ही वह हमारे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटेगी। और वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 2 साल पहले ऐसा कुछ भी नियम नहीं था। अगर आप कुछ भी गलत कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते थे तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो मिलता था, लेकिन 90 दिन बाद वह ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता था और वह स्ट्राइक हमारे चैनल से हट जाती थी। बट आपका जो नियम है उस नियम के अनुसार अब हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर तो हो जाएगी, बट जब तक आप कॉपीराइट स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक वह आपके चैनल पर ऐसे ही बनी रहेगी। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे कॉपीराइट स्कूल। वहां पर आपको बताएंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको जवाब देना होता है। सब कुछ ऑप्शनल है, ट्रू और फाल्स ऐसे करके। तो आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए, पहले आप चलिए हमारे साथ स्कूल में, इसके बाद वहाँ पर देखा जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपको किस प्रकार से जवाब देना होता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड पेज पे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है चैनल डैशबोर्ड, उसके नीचे है चैनल वायलेशन और उसके नीचे है एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक 1 ऑफ 3। तो मतलब हमको एक स्ट्राइक मिली थी। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताते चले आप लोगों को कि आप कॉपीराइट स्कूल कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई है तो आप 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर जब आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर हो जाए उसके बाद आप कॉपीराइट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। बिना ज्वाइन किए हुए यह आपकी जो स्ट्राइक है वह रिमूव नहीं होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 22 दिसंबर को ही कॉपीराइट स्ट्राइक एक्सपायर हो चुकी है, बट अभी तक यह कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे चैनल से हटा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम आपको आगे बताते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा पॉपअप विंडोज ओपन होगा और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर है अटेंड कॉपीराइट स्कूल ऑफ योर स्ट्राइक टू एक्सपायर, उसके सामने है कॉपीराइट स्कूल, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने 4 सवाल आ चुके हैं और इन 4 सवालों को हमको सही सही जवाब देना है। अगर आप गलत भी जवाब दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपसे फिर से सवाल किए जाएंगे और आप पास हो ही जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर फिक्र की बात ही नहीं है यार, मैंने ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं और किसका जवाब क्या है वह भी बना के रखा हुआ है। यानी कि इसमें नियर अबाउट 35 क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाकर उसको डायरेक्टली कॉपी करके उसको वहाँ से देख सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप वहाँ से देखिए और उसमें क्या हमने जवाब दिया है वह जवाब भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने 1 से लेकर 4 जो सवाल दिए गए थे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या सवाल है, क्या हमने जवाब दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद इसमें अराउंड 35 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब 35 क्वेश्चन हैं, वहीं सब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे विथ आंसर। तो आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यहाँ पर है हमारी इंस्टाग्राम आईडी। और अब यहाँ से हम चेक आंसर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है देयर आर नो कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल। मतलब अगर आप किसी सवाल का गलत भी जवाब दे देते हैं फिर भी आपके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वह रिमूव कर लिया जाता है। आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझिए, यह जो कॉपीराइट स्कूल है इसमें अगर आप कुछ सही सवालों के जवाब देते हैं या फिर कुछ गलत सवालों के जवाब देते हैं उस केस में भी आपके यूट्यूब से जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वह हटा लिया जाता है 90 दिन एक्सपायर होने के बाद। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से हम इसको कर देंगे कट और कट कर देने के बाद यहाँ से हम फिर अपने इस पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश कर देने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा चैनल डैशबोर्ड है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था कि हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक पड़ी हुई है वह स्ट्राइक हट चुकी है।
आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस प्रकार की नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप डायरेक्टली वहाँ पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए आप हमको एक कमेंट कीजिए। जो भी आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई हम आपको करेंगे। तो आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए आईटी मस्ती यूट्यूब चैनल साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।